डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू कल्चर। देखिए, सबसे पहले समझते हैं टिश्यू कल्चर क्या होता है। जब हम प्लांट के किसी एक पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट बना देते हैं तो उसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी टू डेवलप द होल प्लांट From the part of the plant, from any part of the plant, this is tissue culture. क्या बोला? The capability to develop the whole plant, पूरा plant बनाने की जो क्षमता है, from any part of the plant, plant का कोई भाग ले गया हमने और उसे पूरा का पूरा plant बना दिया। मान लीजिए एक leaf तोड़ा और उस leaf से पूरा plant बना दिया। So this is tissue culture. अब बच्चों, एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। नाउ व्हाट इज एक्सप्लांट? आज के टॉपिक में ऐसी छोटे छोटे डेफिनेशंस होगी जिनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइनल एग्जाम्स में आपसे। सो देखिए, एक्सप्लांट क्या होता है? हम जो पार्ट यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिस इज अ प्लांट और इस प्लांट का मान लीजिए ये कोई लीफ है, तो लीफ को हमने इतना सा पीस काट के, ये पीस हमने कट करके और सेपरेट कर लिया और हम इसको यूज कर रहे हैं पूरा प्लांट बनाने के लिए। सो दिस कट पोर्शन ऑफ दिस लीफ इज कॉल्ड एक्सप्लांट। ओके, सो कैसे लिखेंगे इसको? एनी पार्ट ऑफ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब। उसके बाद इस पार्ट को अलग करके, इस पार्ट को, कटे हुए पार्ट को हम बोलेंगे एक्सप्लांट। अब इसको एक टेस्ट ट्यूब में हम ग्रो करते हैं, एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस, मतलब कि कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई और वहां पे कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनवांटेड हो। सो वहां पे स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि कंटामिनेशन फ्री कंडीशन होनी चाहिए, स्टेराइल कंडीशंस इन अ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया यानी कि देखो, पूरा समझाता हूं फिर से। एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट, ये प्लांट का लीफ का कोई पार्ट हमने अलग कर लिया, इसको बोलेंगे हम एक्सप्लांट। उसके बाद क्या करते हैं, इस एक्सप्लांट के साथ ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब, इसको एक टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवाएंगे, स्टेराइल कंडीशन में ग्रो करवाएंगे, यानी कि कंटामिनेशन फ्री कंडीशन में हम इसको ग्रो करवाएंगे इन अ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, मतलब कि इसके लिए एक खास तरह का न्यूट्रिएंट मीडिया हम बनाएंगे जिसमें सारे सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे तो जिसे ये ग्रो कर सके। ठीक है, इस कैपेसिटी को, तो इसके अंदर, इस एक्सप्लांट के अंदर जो सेल्स होंगी उन सेल्स की, पूरा प्लांट बनाने की कैपेसिटी को बोलते हैं टोटी पोटेंसी। सो सेल्स ऑफ दिस एक्स प्लांट हैज द कैपेसिटी टू डेवलप अ कंप्लीट प्लांट। Capacity of the cells is called totipotency. So इस capacity को, cells की इस capacity को हम बोलते हैं totipotency. Again very very IMP term. कि totipotency क्या होती है? Explant के अंदर जो cells होती है उनकी पूरा plant बनाने की क्षमता को totipotency हम बोलते हैं। उसके बारे में बाद हम बात करते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया हमने यहां पे बोला है, ये न्यूट्रिएंट मीडिया कौन सा हम यूज करते हैं? सो देखिए, अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया के बारे में। तो एक्सप्लांट को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट मीडिया हम यूज़ करते हैं उसके अंदर सबसे पहली बात तो कार्बन सोर्स होना चाहिए, जिसे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सके,
और कार्बन सोर्स के रूप में हम न्यूट्रिएंट मीडिया में यूज़ करते हैं सुक्रोज का। उसके बाद और क्या क्या होना चाहिए एक न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट होने चाहिए, विटामिंस होने चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, उसके अंदर सारे के सारे एंजाइम्स वगैरह सब अच्छे से ग्रो कर सके, अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर भी होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ग्रोथ रेगुलेटर्स का होना। सो ग्रोथ रेगुलेटर में क्या आते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर में ग्रोथ हार्मोन आते हैं, जैसे एग्जांपल है ऑक्सिन हार्मोन जो ग्रोथ में हेल्प करता है, इसके अलावा आप साइटोकाइन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस तरह के ग्रोथ रेगुलेटर भी उस मीडियम के अंदर होने चाहिए जिससे कि एक्स प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। अब देखिए एक छोटा सा मैं आपको डायग्रामेटिकली प्रोसीजर समझाता हूँ कि कैसे हम टिश्यू कल्चर करवाते हैं। सो डायग्रामेटिकली समझिए अभी इस चीज़ को, प्रोसीजर को। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, दिस इज द लीफ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लीफ का एक छोटा सा पोर्शन अलग करेंगे और ये लीफ लीविंग होना चाहिए, डेड लीफ नहीं लेना है हमें। सो इसका एक पोर्शन अलग करेंगे, इस पोर्शन को मान लीजिए, ये पोर्शन हमने लीफ का ले लिया, इसे हम बोलेंगे एक्स प्लांट। उसके बाद क्या करेंगे, इस एक्स प्लांट को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, सो इस एक्स प्लांट को हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब इस ई टेस्ट ट्यूब के अंदर हम न्यूट्रिएंट मीडिया डाल देंगे ताकि ये एक्स प्लांट जो है वो ग्रो कर सके। सो धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये एक्स प्लांट था, जो ये पीस था छोटा सा, इसके अंदर सेल्स ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर से टेस्ट ट्यूब बनाते हैं। सो इसके अंदर जो सेल्स है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी और एक मास ऑफ सेल्स बन जाएगा लाइक दिस। सो दिस इज मास ऑफ सेल्स, जो इस मास ऑफ सेल्स को, यानी कि एक्स प्लांट अब क्या बन चुका है मास ऑफ सेल्स, इसको बोलते हैं हम कॉलस फॉर्मेशन। सो अब क्या करेंगे, अब इस कॉलस को हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेकर जाएंगे जहां पे थोड़ा सा अलग तरह का हम न्यूट्रिएंट मीडिया इसको प्रोवाइड करेंगे। वी विल चेंज द टेस्ट ट्यूब एंड प्रोवाइड इट अ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया जिसमें इस कॉलस के अंदर छोटी छोटी रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और इस टाइप से छोटा सा एक प्लांट टाइप कुछ दिखने लग जाएगा लाइक दिस। इसे हम बोलेंगे प्लांटलेट। अब प्लांटलेट को ग्रो फर्दर ग्रो करने के लिए हम न्यूट्रिएंट मीडिया फिर से चेंज करेंगे। व्हाई वी आर चेंजिंग द न्यूट्रिएंट मीडिया, क्योंकि एक ही न्यूट्रिएंट मीडिया हर सेट, देखो स्टेज चेंज हो रही है अब इसके डिवीजन की, इसके जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो चेंज हो रही है, तो हमें न्यूट्रिएंट मीडिया भी चेंज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, देखो इजीली समझाता हूँ, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको दूध पिलाते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि पूरी उम्र उसको सिर्फ दूध ही पिलाते रहेंगे जब तक वो बूढ़ा होगा, सिर्फ दूध 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 ऐसा तो नहीं करते। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको फ्रूट जूस वगैरह देने लग जाते हैं, फिर और बड़ा होता है तो उसको रोटियां वगैरह भी खिलाने लग जाते हैं। धीरे धीरे इस टाइप से उसका फूड थोड़ा थोड़ा चेंज होता है उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, वैसे ही हम प्लांट ग्रोथ कराते हैं उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम फूड थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं, उसका न्यूट्रिएंट मीडिया हम चेंज करते जा रहे हैं। तो उसके बाद प्लांटलेट को जब हम नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ करवाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद दिस इज द रूट सिस्टम, दिस इज द स्मॉल प्लांट,
लाइक दिस। तो इस टाइप से हम एक प्लांट को बना सकते हैं और उसके बाद इसको हम जहाँ भी लगाएंगे तो पूरा का पूरा प्लांट ही बन जाएगा ये। तो देखिए प्लांट के एक पार्ट से हमने कंप्लीट प्लांट बना दिया। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो आई होप कि आपको टिश्यू कल्चर का प्रोसेस समझ में आ गया। अब यहाँ तो हमने सिर्फ एक प्लांट बनाया है, अगर इसी प्रोसेस का यूज़ करके हम एक प्लांट के बजाय थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना दें तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन? बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर यू कैन से मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स। लेट मी राइट, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर, बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रखनी है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज़ करके जब हम हज़ारों लाखों प्लांट बना देते हैं लैब में तो इस प्रक्रिया को हम माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। एक और छोटी सी टर्म आपको अब आगे ध्यान रखनी है, उसको बोलते हैं हम सोमा क्लोन्स। देखिए सोमा क्लोन्स होता क्या है? टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम सोमैटिक सेल्स का यूज़ कर रहे हैं। बच्चों कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर दो तरह की सेल होती है, एक सोमैटिक सेल होती है और एक जर्म सेल होती है। जर्म सेल में गैमेट्स आते हैं। तो देखो प्लांट के हमने गैमेट्स तो यूज़ किए ही नहीं है, हमने कोई गैमेट, कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट का जिक्र नहीं किया। हमने गैमेट को छोड़ के कोई भी सेल होती है उसे सोमैटिक सेल बोलते हैं। तो हमने सोमैटिक सेल्स यहाँ पे लिए थे। तो ये एक्स प्लांट के अंदर जो सोमैटिक सेल थे, सोमैटिक सेल से ये पूरा प्लांट बन रहा है। तो सोमैटिक सेल से अगर बनेगा तो सभी के सभी प्लांट, चाहे हज़ार बने चाहे लाख, वो सभी एक जैसे दिखेंगे। वेरिएशन कब आती है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब प्लांट अलग अलग दिखते हैं, बट यहाँ पे तो सभी एक जैसे ही सेल से बन रहे हैं इसीलिए सभी प्लांट बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे और सोमैटिक सेल से बन रहे हैं इसीलिए इनको बोलते हैं सोमा क्लोन्स। सो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे ऑल प्लांट्स produced by tissue culture, by tissue culture will be genetically identical, will be मतलब कि सभी का डीएनए बिल्कुल सेम होगा, जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे वो, जेनेटिकली identical. So you or to the original plant from which they were grown, identical to the original plant from which they were grown, यानी कि जिस प्लांट से उनको बनाया गया वैसे ही वो सोमा क्लोन दिखेंगे। ठीक है, तो सोमा क्लोन क्यों बोला? क्योंकि सोमा का मतलब सोमैटिक सेल से बने हैं और क्लोन क्योंकि वो सभी एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए उनको क्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो सोमैटिक सेल से जो एक जैसे दिखने वाले प्लांट बने हैं दो हज़ार सोमा क्लोन्स। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में जितने भी प्लांट आप किसी प्लांट के प्रोड्यूस करेंगे वो सभी एक जैसे दिखेंगे, अपने ओरिजिनल पेरेंट प्लांट के जैसे दिखेंगे, दीज आर सोमा क्लोन्स। तो ये थे बच्चों टिश्यू कल्चर टेक्निक। इनमें से किसी भी एक डेफिनेशन के ऊपर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फाइनल एग्जाम्स में भी आपसे, प्लस टू के फाइनल एग्जाम्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में एक छोटी सी टेक्निक और है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, उस टेक्निक को बोलते हैं हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखिए नेक्स्ट इज सोमैटिक
हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है सोमैटिक सेल्स का यू को मिक्स करके हम जो बनाते हैं उसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। मैंने क्या बोला, हम दो अलग अलग प्लांट की सोमैटिक सेल्स लेंगे। इसमें क्या करते हैं, मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक प्लांट की सोमैटिक सेल होगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये टोमेटो की सेल है, ठीक है, और एक तरफ ले लीजिए एक दूसरी सोमैटिक सेल जो है पोटैटो की, यानी कि आलू की। हमने दो सोमैटिक सेल्स ली उसके बाद में, और मान लीजिए ये है इनका सबसे बाहर वाली है सेल वॉल, सेकेंड नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब क्या क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एंजाइमेटिक रिएक्शन करवा के, एंजाइम मैंने आपको बहुत सारे एंजाइम बताए हैं सेल वॉल को रिमूव करने के लिए, तो हम ऐसा एंजाइम अप्लाई करेंगे जिससे इसका सेल वॉल रिमूव हो जाए, सेल वॉल रिमूव हो जाए। बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने अच्छे से किया है तो मेरे लेक्चर वहाँ पे एंजाइम्स के ऊपर, हर बहुत तरह के एंजाइम मैंने बताए हैं सेल वॉल को रिमूव करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका सेल वॉल रिमूव करवा देंगे। सेल वॉल रिमूव होने के बाद दे विल लुक लाइक दिस, ये हमने पहले स्टेप में क्या किया सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में सेल वॉल को रिमूव कर दिया एंजाइम्स का यूज़ करके। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों सेल्स को फ्यूज़ करवाना है आपस में ताकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिक्स हो जाएं, यानी कि टोमेटो की, ये सेल टोमेटो की है और ये पोटैटो की, तो टोमेटो और पोटैटो दोनों के डीएनए को मिक्स करवाना है। कैसे हम इन दोनों सेल को मिक्स कर सकते हैं, सेल वॉल रिमूव होने के बाद, देखो हमने सेल वॉल रिमूव कर दिया, सेल वॉल रिमूव होने के बाद जो सेल बचती है इनको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, हमें दोनों को दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाना है, तो हम एक एंजाइम, एक केमिकल यूज करते हैं, नॉट एंजाइम, एक केमिकल है दैट इज कॉल्ड PEG, वेरी वेरी IMP। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में प्रोटोप्लास्ट सेल्स को कैसे फ्यूज करवाया जाता है, तो इन दोनों को फ्यूज करवाने के लिए हम जो केमिकल यूज करते हैं इसको बोलते हैं पोली इथाइलिन ग्लाइकोल, लेट मी राइट, पोली एथिलीन ग्लाइकोल। जैसे ही ये केमिकल डालेंगे दोनों सेल्स आपस में क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, और एक इसको बोलेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये रहेगा हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होगा हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें हमने पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करके और इसको बना दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हाइब्रिड सेल बनी है इसको हम बोलेंगे अब सोमैटिक हाइब्रिड, दिस सेल इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड, और इस सेल के अंदर पोटैटो की प्रॉपर्टीज़ भी आ गई है और टोमेटो की प्रॉपर्टीज़ भी आ गई है, सो इसको हम बोलेंगे, नाउ वी विल कॉल इट पोमैटो, तो जब हम इस पोमैटो को ग्रो करवाएंगे इस सोमैटिक हाइब्रिड के अंदर, दो तरह की प्रॉपर्टी है पोमैटो के अंदर, पोटैटो की भी और टोमेटो की भी, तो जब हम इसको ग्रो करवाएंगे फर्दर इस सेल को और इससे जब प्लांट बनेगा तो उस प्लांट की खास बात यह होगी कि उस प्लांट के ऊपर, उस प्लांट से पोटैटो भी निकलेंगे, मतलब कि वैसे पोटैटो जमीन के नीचे होते हैं, तो आप वहां पर, मैं जस्ट समझाने के लिए, उस प्लांट के से आप पोटैटो भी ऑब्टेन कर सकते हैं और सेम प्लांट से आप टोमेटो भी ऑब्टेन कर सकते हैं, टोमेटो भी मिलेंगे पोटैटो भी उसी प्लांट से मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सो दैट्स इट, चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नीट के लास्ट 3 इयर्स के MCQ करेंगे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में MCQs के साथ में। थैंक यू सो मच।